नमस्कार, मैं मुस्कान वर्मा और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। आज धौलपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव 105 आए हैं। टोटल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अब 2013 हो चुकी है और 288 लोग सही भी हुए हैं। धौलपुर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वावधान में शुक्रवार को भार्गव वाटिका धौलपुर के जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में पूर्व प्रधान मोनू जादून एवं नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह ने शिविर में आए युवाओं को मंगल टीका लगवाकर जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए शपथ दिलाई। पूर्व प्रधान मोनू जादून ने शिविर में आए युवाओं से कहा कि सड़क पर बेवजह न घूमे। आमजन के जीवन की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को सड़क पर फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। हम युवाओं को इस महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ हम आमजन का भी दायित्व है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर में आए युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह देखने को मिला है। लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक विमल भार्गव ने बताया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। शिविर में चिकित्सा विभाग के प्रियंका त्रिपाठी, मीनल भार्गव, मेडिकल स्टाफ दीप्ति शर्मा, शलमा ममता वर्मा, अनिता कुमारी, संकल्प नर्सिंग कॉलेज के चंद्रमोहन शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, भास्कर शर्मा, नरसिंह कुशवाहा, हरिमोहन, जुगेश सक्सेना इत्यादि ने शिविर संचालन में सहयोग किया। आज मैं भार्गव वाटिका में रोटरी इंटरनेशनल रिनी हॉस्पिटल के द्वारा जो संचालित कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आया। मुझे यहाँ की व्यवस्था माकूल लगी और सभी वैक्सीनेशन जो युवा थे जो करवा रहे थे उनसे मैंने बात की तो उनको लगा कि वास्तव में जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर और तरीके से वो सारे तरीके फॉलो किए जा रहे हैं इनके द्वारा, संस्था के द्वारा। और मेरा सभी युवाओं से अपील है कि कोरोना मुझे भी हुआ पर मैं उस लड़ाई को जीत के खड़ा हुआ हूँ और आपको आज मैं बोलने के लिए तैयार हूँ कि आप धैर्य और संयम और हिम्मत तीनों चीज़ें रखें, हमें जीत जरूर मिलेगी। हम लोग इस कोरोना महामारी को हरा के दम लेंगे और ऐसी सभी सामाजिक संस्थाएं जो सरोकार में लगी हुई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज इस कोरोना काल में भी अपनी सभी जो सेवाएँ दे रहे हैं, जिसके लिए खासकर विमल भार्गव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आपके त्यागी जी और अन्य सभी जो टीम है जो कार्य कर रही है वो धन्यवाद के पात्र है कि ऐसे कोरोना महाकाल में सब लोग अंदर घरों में दुबके हुए बैठे हुए हैं डर की वजह से और आप लोग काम कर रहे हो, तो ये आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हो। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम लोग इसी तरह मिलजुल कर इस जंग को लड़ेंगे और हमारे सहयोग की कहीं भी आवश्यकता हो हम लोग लगे हुए हैं, धैर्य की ज़रूरत है। सभी सामाजिक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस कार्य में कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्य करें और लोगों को बचाएं, यहाँ जरूरत है वहाँ मदद अवश्य पहुँचाएँ, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मैं भार्गव वाटिका में सरकार के द्वारा चलाई जा रही वैक्सीन मुहिम में रेड क्रॉस कंपनी और रोटरी के द्वारा, रोटरी के सहयोग से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है और हम जनता से, धौलपुर के युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी 18 प्लस हो चुके हैं वो सारे युवा पीढ़ी वैक्सीन लगवाए। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं युवाओं से निवेदन करता हूँ कि वो सभी अपने दोस्तों को, फैमिली को ये समझाएं कि मास्क लगा के रखें और डिस्टेंस बनाए रखें। इसके लिए मैं पुनः सभी रोटरी क्लब और रेड क्रॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रूपाली पाटिल है और मैं रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए वैक्सीनेशन के, मैंने अपनी वो वैक्सीनेशन लगवाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और आप लोग भी जिला प्रशासन के साथ अपना सहयोग प्रदान करें और सारे युवाओं से, सारे जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन की मदद करें। जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, आप उन नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो भार्गव वाटिका में 5 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा भव्य एक आयोजन संस्था के द्वारा किया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने, 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवकों ने वैक्सीनेशन कराया। एक व्यवस्थित रूप से हमने एक प्रयास किया है, काफ़ी बड़ी संख्या में
यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। जो 5 दिवसीय जो कैंप था उसको हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में। कल से भार्गव वाटिका में वैक्सीनेशन का शिविर कंटिन्यू रहेगा। मेरा नाम नीति शर्मा है, मैंने वैक्सीनेशन करवाया है अभी और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो जो भी सरकार हमारी जो भी हमारे लिए कर रही है और जो भी गाइडलाइंस दी हैं उन सभी को फॉलो करें। जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो घर के बाहर ना जाएं और प्लीज़ मास्क पहने। और यहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भार्गव वाटिका में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और सेफ रहें, घर में रहें। भार्गव वाटिका में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है पूर्णतः व्यवस्थित है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, जिसके उपरांत ही उसको अंदर भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था है, जिसमें समुचित दूरी का पालन किया गया है। यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत ही अव्वल दर्जे की है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का पूर्णतः सुरक्षित प्रबंध है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए घरों से अन्यथा बाहर नहीं निकले और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा धौलपुर का जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, इसकी सेवाएं से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सभी समझाने वाले हैं, बहुत प्यार से मेरा वैक्सीनेशन हुआ है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ, बिल्कुल आराम से मेरा वैक्सीनेशन हुआ है। कहीं कोई भीड़, कहीं कोई वो नहीं है। कोरोना नियमों का पूरा पालन रखा जा रहा है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छा है, मैं बहुत आभारी हूँ सोसाइटी का जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को ब्रेक करने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही धौलपुर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला पुलिस ने लॉकडाउन के पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। आज पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक ने 10 मई से 24 मई तक जिले में शुरू हो रहे संपूर्ण लॉकडाउन की राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूरी तरह से पालना सुनिश्चित कराने के लिए समस्त वृत्ताधिकारियों, थाना अधिकारियों, कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारियों व आरएसी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर विशेष कार्य योजना पर मंथन किया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस जाब्ते को और अधिक मजबूत व व्यापक करने के लिए इच्छुक एनसीसी कैंडेट व पुलिस मित्रों का सहयोग लेने एवं विशेष रणनीति के साथ इलाकों में पुलिस बल को लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में भी संक्रमण की स्थिति गंभीर है, ऐसे में लॉकडाउन को यहाँ पूरी सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा। इस मामले में किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, समस्त वृत्ता अधिकारी, थाना अधिकारी, कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी व आरएसी के अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पालिका की टीम ने बसेड़ी रोड पर पहुंचकर सड़क के दोनों किनारों पर जो लोग ढेल ढकेलों को लगाते थे उनसे वहां पर भीड़ भाड़ और कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती थी। इसको ध्यान में रखते हुए आज पालिका की टीम ईओ राठौर के नेतृत्व में सभी ढेल ढकेलों को पास के बाग में सोशल डिस्टेंस के पालना कराते हुए शिफ्ट कराया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने सभी ढेल ढकेल वालों से समझाइश की कि आप खुद मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस की पालना करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, इस कोरोना महामारी में शासन प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, ARI मांगीलाल गर्ग, तपेश बिथुड़ी, शिव शंकर पचौरी, जोगेंद्र सिंह मीणा, कल्याण सिंह यादव, निखिल यादव, रामकुमार कोहली, गोविंद यादव, अंकित कुमार, शरीफ खां, तालेवर बीरेंद्र बिथोलिया सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सरमथुरा उपखंड में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सक्रियता को देख दिन भर लोगों ने बाजारों में निकलना मुनासिब नहीं समझा। वहीं बाइकों पर लोगों को फालतू घूमते मिलने पर पुलिस ने फटकार लगाई। पुलिस ने दो दिन में 60 लोगों के चालान कर वाहन जब्त किए। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि बुधवार गुरुवार को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत पुलिस ने निगरानी दल के साथ बाड़ी बस स्टैंड, करौली तिराह, अस्पताल रोड, मेन बाजार में लोगों को फालतू घूमते देख फटकार लगाई। वहीं MV एक्ट में बाइकों को जब्त
कर कार्रवाई की। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने कस्बा में के बाजार में पैदल व बाइकों से फालतू घूमते लोगों को रोककर कार्रवाई की। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन एमवी एक्ट में 60 लोगों के चालान कर वाहनों को जब्त किया। पुलिस की सक्रियता के कारण बाजार में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। सरमपुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कोरोना मृतक व्यक्तियों के शव उठाने व मुक्ति धाम पर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का कार्य करने वाले नगर परिषद सफाई जमादार टीम में 8 सदस्यों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण लगन और उत्साह से कार्य करके परिषद के सफाई जमादारों को अपनी जान जोखिम में डालकर असाधारण कार्य को पूरी लगन से करने के लिए एवं मानवीय सेवा की अनोखी मिसाल साबित की है। जिला कलेक्टर ने कोरोना मृतकों के शवों को उठाने तथा दाह संस्कार करने वाले सफाई जमादारों को इस असाधारण कार्य को करने वाले नगर परिषद से 8 कर्मचारियों को 5100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। इन कर्मचारियों का होगा सम्मान। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मृतकों के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मानवीय सेवा की अनोखी मिसाल साबित करने वाले 8 नगर परिषद के सफाई जमादारों का सम्मान किया जाएगा, जिनमें सफाई जमादार सुदामा नरेश पुत्र, विप्ति राजेश पुत्र, विप्ति अमर पुत्र, ईश्वर सोनू पुत्र गावा, कपिल पुत्र सुगर सिंह, दीपक पुत्र अमर सिंह, अर्जुन पुत्र कमलेश का जिला प्रशासन की ओर से सम्मान किया जाएगा। धौलपुर, जहां एक तरफ लोग कोरोना के नाम से डर रहे हैं, वहीं धौलपुर का मनोज कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद भी आज लगातार दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में मरीजों का इलाज कर उनकी सेवा कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज परमार की, जो कि मूल रूप से धौलपुर जिले के मरेना कस्बे के पास स्थित गाँव चौधरीपुरा के दुर्ग सिंह परमार के बेटे हैं, जो कि दिल्ली एम्स में चिकित्सक है। डॉक्टर मनोज ने बताया कि गत 22 अप्रैल को वे कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने करीब 10 दिन होम आइसोलेशन में रहकर दवा ली और कोरोना से जंग जीत ली। अब वे एम्स में मरीजों का इलाज करने उनकी सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज परमार, MBBS MD जनरल मेडिसिन। वर्तमान में मैं एम्स दिल्ली में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मैंने SMS हॉस्पिटल जयपुर में भी सेवाएं दी हैं। मैं मूलतः धौलपुर का निवासी हूँ। कोरोना महामारी में नियमित रूप से एम्स हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों मैं 22 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हो गया था। उसके बाद मैंने एम्स कोविड मैनेजमेंट अनुसार होम आइसोलेशन में रहकर ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि मुझे माइल्ड कोविड डिजीज़ थी। एवं 10 दिन बाद मैं रिकवर होकर वापस हॉस्पिटल में सुचारू रूप से सेवाएं दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना जो है वो एक महामारी है, इस दौरान प्रत्येक संसाधन को जुटाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोरोना संक्रमण को रोकने वाली गाइडलाइन का पालन करें एवं वैक्सीन लगवा कर इस महामारी की रोकथाम में अपना योगदान दें। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, अपनी जांच करवाएं एवं चिकित्सक अनुसार दिए गए ट्रीटमेंट को लें। धन्यवाद। धौलपुर देश में महामारी के चलते संकट का समय है। इस संकट में सरकार भी इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले रही है और इस समय लोग अपने घरों में बंद हैं। लेकिन जो पशु पक्षी आवारा पशु केवल मानव के भरोसे होते हैं, उनका क्या? धौलपुर में बजरंग दल युवाओं ने पार्षद राम कुमार शर्मा और पार्षद विवेक कुशवाहा एक अच्छी पहल करते हुए आवारा पशुओं के लिए जगह जगह चारे की व्यवस्था की है, जिसमें बजरंग दल के राम शर्मा ने बताया कि हम पिछले कई दिनों से पशुओं के लिए जगह जगह चारा डालकर उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद है तो आवारा पशु भूख से तड़प रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित विकास उर्फ सोनू ने बताया कि आज पशुओं के लिए आज बजरंग दल एक बार फिर खड़ा है। आज जब हम अपने घरों में बंद है तो कम से कम अपने घरों के बाहर पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये व्यवस्था जरूर करें। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसा करने से कोई पशु पक्षी भूख से प्राण नहीं त्यागेगा। और रोज सुबह पार्षद राम कुमार शर्मा और बजरंग दल के पदाधिकारी दीपक पचौरी, नरेश प्रजापति, नवल रविंद्र, कृष्णा वीरू, विजेंद्र शुभम, अभिषेक आदि जगह जगह चारा डालने में सहयोग कर रहे हैं।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार सुबह एक बार फिर मौसम ने पलटी खाई है, जिससे सुबह से ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं इस दौरान आकाशीय बिजली ने दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका राजाखेड़ा के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा कस्बे के हाट मैदान निवासी राधाकृष्ण पुत्र राम भरोसी और राम नरेश पुत्र श्री किशन शुक्रवार सुबह साइकिल से दूध लेने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ दोनों युवकों पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से 33 वर्षीय राधाकृष्ण पुत्र राम भरोसी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा 25 वर्षीय युवक राम नरेश पुत्र श्री किशन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका कस्बे के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। राजाखेड़ा कस्बे में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित एक डेली नीड्स की दुकान को अपना निशाना बना लिया। अज्ञात चोरों ने दुकान के ऊपर बने गोदाम की छत पर से जीने का दरवाजा खोलकर दुकान में प्रवेश कर दुकान के गल्ले की दराज में रखी करीब 50,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पार कर लिया। पीड़ित व्यापारी ने जब सुबह दुकान खोलने के लिए शटर उठाया तो दुकान के अंदर बिखरे पड़े सामान को देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित व्यापारी महेश जैन उर्फ बल्ले पुत्र कालीचरण ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वो अपनी दुकान को अच्छी तरह से बंद कर ताले लगाकर घर के लिए गया था, परंतु जब शुक्रवार सुबह दुकान खोलने के लिए शटर उठाया तो दुकान के अंदर बिखरे पड़े सामान को देखकर उसके होश उड़ गए। व्यापारी ने जांच पड़ताल की तो दुकान के गल्ले की दराज में रखी करीब 50,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान गायब मिला। वही संजय, घटना हुई है, हमारी दुकान से चोरी हो गई है और चोरी में 50,000 रुपए कैश और 3 किलो सोना और 1,00,000 रुपए का सामान परचून का, इतना सामान गया। कब की बात है ये? आज रात की, रात को अच्छी वाली दुकान बंद, 11 बजे दुकान बंद कर गए, उसके बाद हम सुबह खोली है तो दुकान में ताला टूटा मिला है। पुलिस आई है मौके पे? आई है पुलिस, चेक कर रही है पुलिस। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का अपना न्यूज चैनल चंबल प्रभा। धौलपुर जिले सहित अन्य न्यूज देखने के लिए चंबल प्रभा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले।